हरियाणा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों ही राज्यों में वोटिंग की रफ्तार फिलहाल काफी धीमी दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह सुबह हमने देखा था कि किस तरह से कतारें तमाम मतदान केंद्रों पर देखी जा रही थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से रफ्तार आगे बढ़ रही है वो काफी धीमी है। तो पहले मतदान उसके बाद जलपान, यही संदेश हर कोई दिग्गज आम खास यहां पर दे रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रफ्तार धीमी चल रही है उससे लगता नहीं कि पिछले 2014 का रिकॉर्ड जो है वो यहां पर तोड़ पाएगा। तो अगर 10 बजे तक की बात कर ले, हरियाणा में 8.82% यहां पर वोटिंग हुई है। और उसके साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 10 बजे तक 5.76% वोटिंग जो है दर्ज की गई है। यानी कि महाराष्ट्र में उससे भी ज्यादा रफ्तार यहां पर बहुत ही कम देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार आपको एकाएक करके जानकारी हरियाणा और महाराष्ट्र, उसके साथ ही 17 राज्यों में जिस तरह से उपचुनाव है उसको लेकर जानकारी अपडेट R9 TV आपको उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहा है, वो आदर्श वोटिंग केंद्र भी आपको दिखा रहा है जिसको लेकर खास तैयारियां की गई है, जिसको लेकर मतदाता जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो पाए, अपने मत का इस्तेमाल कर पाए, इसको लेकर तैयारियां की गई है। तो हरियाणा के चरखी दादरी से बीजेपी प्रत्याशी बबीता फोगाट ने अपना वोट डाला है और प्राथमिकता भी बताई है जीतने के बाद। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश कुमारी सैलजा, उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। सीएम मनोहर लाल को भी उससे कुछ दिन पहले हमने देखा था कि करनाल में जाकर साइकिल में जाकर उन्होंने एक संदेश दिया, पॉल्यूशन कंट्रोल हो इसका संदेश दिया और फिर अपने मत का इस्तेमाल किया। तो हरियाणा की 90 और महाराष्ट्र की 288, 17 राज्यों की 51 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। चुनावी रण में कई दिग्गजों ने इस दौरान वोट भी डाला है और उनकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सीएम मनोहर लाल और मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, लोगों को जागरूक किया है कि वोट जरूर दे। वहीं नागपुर में मोहन भागवत ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। चरखी दादरी से बीजेपी की प्रत्याशी हैं बबीता फोगाट, जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही योगेश्वर दत्त ने सोनीपत में अपना वोट डाला है। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बड़ौदा से, जहां पर कहा जाता है कि अभी तक बीजेपी ने एक बार भी जीत हासिल नहीं की है। तो क्या इस बार खिलाड़ी को मैदान में उतार कर इस सीट को भी फतह करने की कोशिश बीजेपी की मिलती हुई दिखाई दे रही है।